हेलो फ्रेंड्स, मैं बुसरा कुरैशी बुसरा गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रहेगी, ये देखिए, टिकोमा वाइन जिसे फ्लेम वाइन भी कहते हैं। इसके फ्लावर मेरे वहाँ ये कलर के स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी सब पे बर्ड्स बनी हुई है। ये मेरे पास 3 से 4 कलर में मौजूद हैं फ्रेंड। ये देखिए, मैंने बहुत बड़े टब में लगाई हुई है, तो इसे फ्रेंड इसकी खासियत है, जब इसे आप लाते हो तो पहले ही अपने गार्डन में सेट होती है एकदम से। मेरे यहाँ पे भी फ्लावर तो उसने नहीं दिए थे, फिर मैंने इसे छोटे से वेस्ट मटेरियल में लगा रखा था। उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं इसे दीवार की तरफ लगा दूँ ताकि ये दीवार वॉल पकड़ के ऊपर चढ़ जाए, तो मैंने इसे बिग ये टब दे दिया। तो मैंने इसे बड़ा पॉट इसलिए दिया था कि ये फ्लावरिंग करे। ये जो फ्लावर वाली वाइन्स होती है, इन्हें आप बड़ा गमला या ज़मीन में या फिर बड़ा टब्स में लगाएं ताकि ये एकदम पे मतलब ऊपर चढ़ जाए दीवार से। तो ये वैसे भी जितनी भी वाइन्स होती है, ज़्यादातर वो वॉल पकड़ के चढ़ती है। और आप ये देखिए, ऑरेंज कलर है इसका, कितना प्यारा कलर है। ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये वाइन को आप सर्दियों में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत कलर में आती है, रेड आती है, ऑरेंज आती है, येलो आती है, वाइट आती है, पिंक आती है, ये 4-5 कलर में आती है। आपको जो कलर की अवेलेबल हो जाए नर्सरी में आप वो ख़रीद लें, या तो फिर आपको जो पसंद हो वो ख़रीद लें। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो, कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है। और ये देखिए, बारिशों में और सर्दी के अंदर फुल ब्लूमिंग करती है। ये एक बार फ्लावर इसके आ जाते हैं तो फिर लगातार इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट रहती है और इसकी ग्रोथ ये देखिए बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि इसकी सीज़न है, ठंडी की जो सीज़न होती है ये वो सीज़न की है, इसलिए ये उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है फास्ट। ये देखिए सबके ऊपर बर्ड्स लगे बने हुए हैं, जिस जहाँ पे फ्लावर नहीं खिले वहाँ पे बर्ड्स बने हुए हैं, हर ब्रांचेस के ऊपर ये बर्ड्स बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी नीचे से ये बर्ड्स आ रहे हैं और ये फ्लावर है, ये बर्ड्स हैं फ्रेंड। तो ये हर जगह पे इसके ऊपर बर्ड्स बने हुए हैं। और ये मेरी ऑरेंज कलर की है, तो मैं येलो वाली भी आपसे शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो आप इसे क्या खाद दोगे, आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो इस सीज़न में, इसे हर 15 दिन में आप दे सकते हैं। और तो इसे आप वर्मी कंपोस्ट के अलावा कोई भी ऑर्गेनिक खाद दोगे, ये बहुत अच्छे से चलेगी। और आप इसे डिवाइड यानी कटिंग भी कर सकते हो और नीचे से भी डिवाइड कर सकते हो, ज़्यादा ब्रांचेस बन जाए तो आप इसकी कटिंग भी अभी लगा सकते हो, क्योंकि इसकी सीज़न यही है। और इसे नर्सरी से भी परचेस कर सकते हो। इसे टिकोमा भी कहा जाता है और फ्लेम वाइन भी कहा जाता है। तो इसके लीव्स आप देख ही सकते हैं, ये देखिए ऐसे होते हैं, छोटी छोटी धार बनी हुई होती है और पूरी ये एक ब्रांच के ऊपर 5 लीव्स 6 लीव्स बने हुए होते हैं। ये देखिए, ये 7 लीव्स बने हुए हैं छोटे छोटे, तो ऐसे इसके लीव्स होते हैं छोटे छोटे से। और इसकी ये जो टहनी होती है ये कुछ ऐसी हो जाती है जब ये बड़ी हो जाती है, तो नहीं तो फिर ये ऐसी नाजुक होती है, पतली सी जब न्यू होती है। तो आप इसे जब भी लाएं बड़ा गमला दें और इसे वॉल के पास रखें ताकि ये उसके बाजू में वॉल पकड़ के चढ़ जाए। आप डोरी से बांधोगे तो भी बहुत जल्दी चढ़ेगी। और एक चीज़ कर सकते हो फ्रेंड, आप पत्थर बांध के यहाँ पर छोड़ दें, दीवार के ऊपर से डोरी लगाकर आप पत्थर बांध के यहाँ पे छोड़ दें जहाँ उसका गमला है, तो वहाँ पे भी वो बढ़ जाएगी, ऐसे ही वो उसको पकड़ लेगी डोरी को और ऊपर चढ़ जाएगी। बहुत से इसकी वेराइटी आती है टिकोमा में फ्रेंड, जिसके लीव्स अलग होते हैं और फ्लावर थोड़े थोड़े अलग और डिफरेंट भी होते हैं, पर सब नर्सरी में या सब सिटी में वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें एक ही वाइन लगाई है जिसकी ट्री एकदम
ट्रंक एकदम मोटी हो चुकी है, ये देखिए एकदम मोटी हो चुकी है। तो एक ही वाइन है मेरे पास फ्रेंड इस पॉट में, तो आपसे मैं अब येलो वाली शेयर करती हूँ फ्रेंड। ये देखिए ये यहाँ पे अपने आप ही उग गई है, ये टिकोमा वाइन है और ये धीरे धीरे यहाँ पे बड़ी हो गई है उगकर, और ये भी बढ़ जाएगी यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे दो कलर में है मेरे पास, सब पे ये बर्ड आ चुकी है, देख सकती हो आप देखिए, और वहाँ पे भी कितने सारे बर्ड आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे भी इसके ऊपर बर्ड आ चुके हैं, जल्द फ्लावरिंग होगी। और यहाँ पे ऑरेंज के अलावा ये येलो और पिंक कलर की यहाँ पे दो वाइन है, ये देखिए इसके ट्रंक्स, ये देखिए फ्रेंड इसकी ट्रंक भी बहुत मोटी नीचे से हो गई है, ये बहुत टाइम की है, ये 4 से 5 साल की लगभग ये मेरे पास वाइन है। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड इसे भी मैंने नीचे से बड़ा डब दिया हुआ है। तो अब इसे मैं सर्दी में वर्मी कंपोस्ट दूंगी फ्रेंड, हर 15 डे या फिर बाकी जो सीजनेबल प्लांट हैं उनके साथ साथ इन्हें भी, ये वाइन्स को भी दे दूंगी कंपोस्ट। तो ये देखिए एकदम ये ग्रीन हो गई है, ये गर्मियों में झड़ जाती है, इसके पत्ते कम हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ इन्हें बैठ ही जाती है पूरी, और इसके पत्ते रहते हैं पर ना के बराबर, और बिल्कुल भी अच्छी हालत में ये नहीं रहती है गर्मी के सीज़न में, धूप से इसको बचाना पड़ता है फ्रेंड, ओवर वाटरिंग इसमें नहीं चलती है, और इसमें रेती वर्मी कंपोस्ट और सॉइल का मिक्स करके इसके सॉइल ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स में आती है, एक बार लगा लो गार्डन में तो सालों साल चलती है, मेरे खुद की ये 4 से 5 साल की है, तो मैं आप देख ही सकते हैं कि 4 से 5 साल में कैसी ग्रोथ है। मेरे पास इतनी जगह है इसको चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ये देखिए ये वाली आलमंडा मेरी यहाँ चढ़ी हुई है, और इधर ये एक और वाइन चढ़ने वाली है, ये देखो चढ़े जा रही है ऊपर, तो इसके लिए जगह होगी नहीं, तो मैं इसे इसी जगह में ही चढ़ाऊंगी फ्रेंड। तो इसे मैं इसे दीवार की तरफ ले जाके चढ़ा दूंगी। अब आप सबसे विंटर के प्लांट्स ले आए होंगे या लाने वाले होंगे, आप पहले पहले जो प्लांट लाते हैं वो नहीं रह पाते, इसलिए आप अभी प्लांट लाने में कोई भी जल्दी ना करें, क्योंकि आप अगर आप सीडलिंग करते हैं तो शायद अच्छे प्लांट आपके बन जाएंगे सीडलिंग से अब, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी सिटी में थोड़ी थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो गई है। अब ये जो फ्लावर आ चुके हैं वो ब्लूमिंग कर लेंगे, और सीजनेबल प्लांट के अंदर एक बार ब्लूमिंग हो जाती है, उसके बाद जो नए गार्डनर हैं उनसे दोबारा ब्लूमिंग उनके प्लांट्स में नहीं हो पाती है, या फिर प्लांट मर जाते हैं या तो फिर ब्लूमिंग नहीं हो पाती है, इसलिए जब दूसरी बार आप नर्सरी जाएं सीजन में दिवाली बाद, जब वो माल नर्सरी वाले फैलाते हैं न्यू, तभी आप जाके वहाँ से सीजन का माल, जिस सीजन के माल के वो न्यू प्लांट्स में से आप लेकर आएं। अभी उनके पास अगर न्यू माल नहीं है प्लांट्स में तो आप ना खरीदें, दिवाली के बाद ही ज़्यादातर नर्सरी वाले प्लांट्स लाते हैं सीजन के, और वो अच्छे भी होते हैं और चल भी जाते हैं लाने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ सीज़न थोड़ी सर्दी की लेट आती है, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे प्लांट नहीं रह पाते हैं, और जो न्यू गार्डनर हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि मैं गलत सलाह देती हूँ, ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताया है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसी कोई भी वाइन या सीजन के प्लांट अब लाना चाहते हैं या आपके पास फिलहाल मौजूद हैं तो उसकी केयर करें और उससे कंपोस्ट दे दें, ताकि वो अपने फ्लावर ब्लूमिंग कर सकें और अपनी ग्रोथ बढ़ा सकें, तो आप उसकी केयर करें बेहतर रहेगा। और जब आप न्यू ले आएँ तो उसे इंडोर में सबसे पहले रखें, उसके बाद ही आउटडोर में उसे निकालें। देखिए शाम के टाइम मेरे गार्डन में इसकी खूबसूरती से 4 चांद लग जाते हैं,
जब ऊपर होगी यहाँ छत पे, तो यहाँ पे येलो आलमंडा के फ्लावर और ऑरेंज फ्लेमिंग के फ्लावर दोनों का मिक्स कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेड ऑरेंज और येलो का मिक्स हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा जब मैं ये ऊपर तक जाएगी। फिर एक वीडियो बना के आप सभी फ्रेंड्स से शेयर करूंगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। और कौन से प्लांट्स के बारे में जानना है आपको ये भी ज़रूर बताएं।